26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। सीट है, आप न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, 2024 का आखिरी महीना है और 1 दिसंबर है। आज शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। लगातार शिक्षकों के लिए सदन में आवाज उठती रही है। अब ऐसे में शिक्षकों के लिए आज बड़ी खबर ये है कि बिहार के तमाम शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, उनके लिए बड़ी खबर ये है कि बिहार के तमाम शिक्षक अपने तबादले के लिए आज यानी 1 दिसंबर से आवेदन कर सकते हैं। तबादले के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। हालांकि बिहार में सामान्य ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन रविवार से वैसे टीचर ट्रांसफर के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं जो गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है। लगातार लंबे समय से जो शिक्षक थे ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग कर रहे थे, लेकिन बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन उन शिक्षकों के लिए तबादले और पोस्टिंग की प्रक्रिया जो आज से शुरू है जो गंभीर बीमारी से जो है जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वैसे शिक्षक जो कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय रोग या दिव्यांगता से ग्रसित हैं, उन शिक्षकों को मनचाहा तबादला मिल सकेगा। हालांकि उन अन्य शिक्षकों को भी अभी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इंतजार करना होगा। अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन ऑनलाइन डालना होगा। ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को 10 विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। इनमें से कम 3 विकल्प को चुनना अनिवार्य होगा। ट्रांसफर के लिए शिक्षक अपने स्वास्थ्य संबंधी कागजातों को भी ऑनलाइन अपलोड करेंगे। पोर्टल पर आपको रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्रांट का जो विकल्प होगा वो चुनना होगा। इसके बाद जरूरी जानकारियां देनी होगी। आपको बता दें इसके अलावा लिखित आवेदन की स्कैन कॉपी भी अपलोड करना होगा। लगातार लंबे समय से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो है बिहार में तूल पकड़ता रहा था, लेकिन बिहार सरकार जो है एक बार एक शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को जो है रोक लगा देती है। हालांकि हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद बिहार में तमाम शिक्षकों की जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, दिसंबर है, 2024 का आखिरी महीना है और 1 दिसंबर उन शिक्षकों के लिए बड़ा दिन होने जा रहा है जो शिक्षक जो है गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कई तरह की बीमारी है वो दिया गया है और उसके तहत जो है वो शिक्षक जो गंभीर बीमारी की समस्या से जूझ रहे हैं वो आज से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो है अपने ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, अपने आवेदन जो है वो अपलोड कर सकते हैं। हालांकि शिक्षा विभाग साफ कहा है कि जो गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं उसका जो है आवेदन देना होगा, गंभीर बीमारी की समस्या बताना होगा और उसके बाद उनकी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। लगातार लंबे समय से शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग कर रहे थे। हालांकि जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तब भी शिक्षकों का आवाज जो है सदन में लगातार उठता रहा, जो शिक्षा मंत्री है वो जवाब देते नजर आए, लेकिन विपक्ष का लगातार जो है शिक्षा विभाग पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन पक्ष के लोग ही शिक्षकों को लेकर सदन में आवाज उठाए, जिसके बाद से आज 1 दिसंबर है और आज 1 दिसंबर से उन शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 दिसंबर तक जो है शिक्षक की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो तबादले की आवेदन है वो जारी रहेगा। हालांकि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो है वो शिक्षक जो है आवेदन कर सकेंगे। हालांकि बिहार में शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए नीतीश कुमार लगातार नए नए कदम ले रहे हैं, लगातार नई नई पहल कर जा रही है। एक तरफ शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ है वो बिहार के तमाम विद्यालय में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और कई तरह की जो समस्या पाई जाती है उसे दुरुस्त करने के लिए यानी ठीक करने के लिए जो है सिद्धार्थ तुरंत जो है वो फैसले लेते हैं। हालांकि शिक्षक और छात्रों को जो है कई तरह के नए फरमान जारी किया जा रहा है शिक्षकों के लिए, कभी छात्रों के लिए, लगातार बिहार में नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जहां बिहार की शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, विद्यालय को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था के कई तरह के जो पहलू है उसे ठीक किया जा रहा है। वैसे में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, जब शिक्षक नाराज चल रहे थे, शिक्षक लगातार लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए, जो गंभीर समस्या से जो शिक्षक जूझ रहे थे वो घर से बहुत दूर उनकी पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण वो असमर्थ थे, उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। अब उन शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों का अब ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।